हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। रिसेंटली ट्रंप ने नेटो कंट्रीज को हाईली क्रिटिसाइज किया और साथ में ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि रशिया नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करे। आखिर में ट्रंप को इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्यों यूज करना पड़ा, आज हम इसी को समझेंगे। और हमारा ये लेक्चर या वीडियो चार पॉइंट्स को एड्रेस करेगा। सबसे पहला पॉइंट, नेटो क्या है। दूसरा, कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं और कितने देश हैं। तीसरा, एग्जैक्टली ट्रंप ने क्या कहा। और चौथा, नेटो कंट्रीज को एनुअली कितना स्पेंड करना पड़ता है, यानी कि जो टारगेट है वो कितना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अपने आप फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके भी बता सकते हैं। क्योंकि यूएस में इस साल चुनाव होने वाले हैं और दो मेजर कंटेंडर हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, पहला जो बाइडेन और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। तो एग्जैक्टली 10 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप एक इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे, जहां पे उन्होंने नेटो कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो जो सफिशिएंट फंड्स हैं वो फंड नहीं देते हैं नेटो में। अब कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप को चलाने के लिए फंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप अंडरलाइन करते हैं और कहते हैं कि वो चाहते हैं कि रशिया नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करे क्योंकि नेटो मेंबर कंट्रीज सफिशिएंट फंड जितना देना चाहिए उतना वो खर्च नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है इसलिए सभी पॉलिटिशियंस बढ़ चढ़कर स्टेटमेंट देते हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, वैसे ही जो इनके पॉलिटिकल राइवल हैं ये इनके स्टेटमेंट को काफी हाईली क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में नेटो क्या है। तो नेटो को 1949 में बनाया जाता है यूएसएसआर के खिलाफ। यहाँ पे आप ये समझने का भूल मत कीजिए कि यूएसए काफी अच्छा है और यूएसएसआर या आज का रशिया काफी बुरा है या उसका विपरीत। सभी देश अपने अपने हिसाब से अच्छे होते हैं। सामने वाला देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके रिलेशन उसी हिसाब से बिल्ट होते हैं जियोपॉलिटिक्स में। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुका था, या तो आप यूएस के साथ में हैं या तो आप यूएसएसआर के साथ में हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया था जैसे कि जो सोवियत रशिया है वो काफी एक खतरनाक या काफी एक वो एग्रेसर देश है, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए नेटो का फॉर्मेशन किया जाता है। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये साथ में एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस भी है। पॉलिटिकल अलायंस कैसा है, तो इनके जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में मिलते हैं, कोई भी जो पॉलिटिकल इश्यूज होता है उसको वो रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एटलीस्ट इनका जो वेबसाइट है वो यही कुछ क्लेम करता है। क्योंकि नेटो का जो माइंडसेट था वो जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का माइंडसेट था, और ये जो पूरा माइंडसेट है ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज का माइंडसेट को दिखा रहा है। किसी भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ नियम कानून होते हैं। तो नेटो का जो सबसे ज्यादा जिस आर्टिकल के बारे में बात किया जाता है वो आर्टिकल 5 है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक होता है तो उस अटैक को एक कलेक्टिव अटैक माना जाएगा, और नेटो में जितने भी जो कंट्रीज हैं वो उस अटैक करने वाले देश पे वो फिर दोबारा अटैक करेंगे, यानी कि वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। अब अगर आप ये सब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो शायद ऐसा लग सकता है कि नेटो का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो काफी सही होगा, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होता है यहाँ से। फिलहाल नेटो में 31 कंट्रीज हैं, तो इस 31 कंट्रीज को कुछ एनुअल फी कह लें या नेटो का मेंबर बने रहने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ता है, मेजोरिटी ऑफ देश उस प्राइस को पे नहीं करते हैं। और नेटो में कह लें कि जो सबसे स्ट्रांग देश है वो है यूएसए ही। तो क्योंकि यूएसए सबसे स्ट्रांग देश है इसलिए जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और मिलिट्री वो यूएस का ही बनता है। इससे कितनी बार ऐसा भी देखा गया है ना कि यूएस अपने डिफेंस में ओवर एक्सपेंस कर देता है, और उस ओवर एक्सपेंस में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे मेंबर कंट्रीज हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। ये आप देख सकते हैं नेटो का ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे 31 कंट्रीज हैं, अल्बेनिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, क्रोएशिया है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहता है, तो ये कहता है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाता है, शेयर करता है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम इशू होता है तो उसको वो सॉल्व करता है। और साथ में नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात तो ऑलमोस्ट हम सभी को पता है। अगर आप इसके वेबसाइट को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ये दिखा रहा है कि यूएसएसआर या रशिया एक एग्रेसिव देश है और उससे बचाना अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट है। और ये रहा नेटो का ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आर्टिकल 5 के बारे में लिखा गया है, जहां पे बताया जाता है कि अगर कोई भी देश के ऊपर अटैक होता है तो उस अटैक को कलेक्टिव अटैक माना जाएगा और सभी देश मिलके फिर उस अटैक का जवाब देंगे, यानी कि अटैक करेंगे दोबारा से। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप नेटो का मेंबर्स कंट्रीज को क्रिटिसाइज करते हैं। यूरोप में कह सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जर्मनी अपने जो टारगेट स्पेंडिंग है नेटो के ऊपर वो खर्च करने से बचता है, जिसके कारण अगेन
यूएस के ऊपर काफी ओवरबर्डन हो जाता है। इसके पहले भी ट्रंप क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन 10 फरवरी को वो काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां पे वो ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि रशिया उन मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक करें। एक क्वेश्चन आंसर सेशन में वो कहते हैं कि अगर आप पे नहीं करेंगे और रशिया इन केस अटैक करता है तो कौन आपको बचाएगा। ये स्टेटमेंट भले एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आया कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो चुपचाप से इसका मेंबर बने हुए हैं और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर में नेटो कंट्रीज को कितना स्पेंड करना होता है। तो 2% स्पेंड करना होता है उनके देश का जीडीपी जितना है उसके हिसाब से। अगर देश छोटा है तो उसके जितने जो उसके इकोनॉमी है उसके हिसाब से 2%, यूएस का 2% नॉर्मल कंट्री से कहीं ज्यादा हो जाता है। सो इनफैक्ट 31 देशों में सिर्फ 11 कंट्री हैं जो अपने एनुअल स्पेंडिंग टारगेट को 2023 में वो मीट करते, जिसमें कि यूएस है, ग्रीस है, फिनलैंड है, रोमानिया है। वहीं जर्मनी का जो स्पेंडिंग था वो कुछ 1.57% था अपने जीडीपी का। और सबसे कम स्पेंड करने वाले में स्पेन है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, और ये सब नेटो का ऑफिशियल डेटा कहता है। सो इन अ वे ट्रंप का जो कंसर्न है वो उनके हिसाब से सही है, लेकिन अगर आप इसी ग्रुपिंग को अगर आप यूएसएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि अगर एज एन कंट्री कोई आपके खिलाफ इतना बड़ा ग्रुप क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं वो जो एक्शन है वो आपको भी फोर्स करता है कि आप भी एक ग्रुप क्रिएट करें। वहीं मेजॉरिटी ऑफ जो मीडिया हाउस है वो यूएस सेंट्रिक है, और बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं या जो मूवीज बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं यूएस को एज एन हीरो भी दिखाया जाता है। तो जिसके कारण ऐसा लगता है कि जो भी देश यूएस के अपोजिट में है या जिनसे उनका रिलेशन अच्छा नहीं है वो सब देश अच्छे नहीं है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।